एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ झारखंड। जो झारखंड का इतिहास है वो कैसा था, ठीक है। तो इसके लिए मॉडर्न इंडिया जो कि आधुनिक झारखंड के बारे में है उसका वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। एंशियंट झारखंड का भी दो पार्ट, पहला पार्ट अपलोडेड है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट टू है। अगर आप पार्ट वन नहीं देखे तो आप लोग पहले पार्ट वन देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको आइडिया है पार्ट वन में क्या है तो आप लोग इससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ ट्राइब। तो ट्राइब का क्या हिस्ट्री है झारखंड में? तो जो छोटा नागपुर रीजन है वो कैमूर और विंध्या से सराउंडेड है। कैमूर जो बिहार का एरिया में रोहतास कैमूर, और इधर विंध्या जो कि मध्य प्रदेश और इधर है, ठीक है। तो ये इससे सराउंडेड है झारखंड। और जो झारखंड है वहाँ पे बहुत घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है। और यहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेजन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा फॉरेन जो बाहर से जो लोग आए वो यहाँ अटैक नहीं किए, ना ही यहाँ इंडो ग्रीक का अटैक हुआ, कुशान साक उतना नहीं हुआ, ठीक है। और ये बहुत कम के ही कंट्रोल में आया, ये लगभग इंडिपेंडेंट ही रहा, खुद का ही डायनेस्टी यहाँ पे रूल किया, ठीक है। और बस कुछ कुछ जैसे गुप्ता रूलर यहाँ रूल किया कि शशांक रूल किए, कभी मौर्य भी रूल किए। तो बोलो जो सबसे प्रिमिटिव ट्राइब है वो है खरिया, बिरहोर और असुर। हम लोग इसको KBA कब्बा, ठीक है, वैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर संथाल जो थे वो लोग बहुत बाद में आए हैं। जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि संथाल जनजाति जो कि झारखंड का प्रमुख जनजाति है, टॉप पे आता है, वो बहुत बाद में आया झारखंड में। सबसे पहले जो आए वो खरिया है। ये ऐसे ही हम लोग याद करते हैं जैसे ऋग वैदिक में, वैदिक सिविलाइजेशन में जो यहाँ पे पहले से आदमी थे उन लोग को दास और दस्यु बना दिया गया, और जो बाद में आए वो आर्यन बनकर के लोग पे रूल कर दिए। तो वैसा ही यहाँ पे है कि जो संथाल और उरांव हो, भूमिज, ये सब बाद में आए, ये सब यहाँ पे अपना डोमिनेंस कर दिए। और जो असुर, बिरहोर, खरिया थे ये लोग पहले आए और ये लोग दब गए। तो हम लोग सीक्वेंस में देखते हैं कि कौन कब आया। तो सबसे पहले खरिया, ठीक है, सबसे पहले खरिया, फिर बिरहोर, फिर असुर, फिर कोरवा, फिर मुंडा, फिर ओराव, फिर हो, फिर चीरो, फिर खरवत, फिर भूमिज, फिर संथाल। तो खरिया, बिरहोर, असुर, कोरवा, मुंडा, ओराव, हो, चीरो, खरवत, भूमिज और संथाल। तो हम लोग को ऐसे याद करना है, इसलिए मैंने ये वाला पैटर्न बना दिया है, ठीक है। इस टाइप का पैटर्न बना हुआ है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। जो मुंडा थे वो लोग बोलते हैं कि वो लोग तिब्बत से आए हैं, मतलब तिब्बत सेंट्रल एशिया, मतलब तिब्बत चाइना की तरफ, ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक भी बोले थे कि जो जो आर्यन थे वो लोग भी तिब्बत से आए हैं, पर यहाँ मुंडा का बात हो रहा है। और फिर ये लोग साउथ इंडिया चले गए, साउथ इंडिया चले गए तिब्बत से, और उसके बाद ये लोग छोटा नागपुर में आते हैं, ठीक है। और उरांव जो बोले वो बोले कि वो लोग साउथ इंडिया से आए हैं, और जो उनका जो लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी है, लिंग्विस्टिक मतलब उनका जो भाषा का सिमिलैरिटी है, वो उरांव का कुडुक लैंग्वेज और कन्नड़ जो कि तमिल का लैंग्वेज है उससे सिमिलर है, ठीक है। मतलब साउथ में जो कन्नड़ बोला जाता है और जो उरांव लोग कुडुक बोलता है, वो लोग लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी मतलब उन लोग का भाषा में कुछ समानता दिखता है, ठीक है। ये जो उरांव था उसका दो ब्रांचेस था, एक जो ब्रांच जो कि रिवर गंगा के पास आके सेटल हुआ, ठीक है, और वो धीरे धीरे राजमहल पहुंच गया। और दूसरा जो ब्रांच था वो सन रिवर पे सेटल हुआ, और बाद में वो नॉर्थ कोयल रिवर के पास एंटर कर गया, ठीक है। तो दो ब्रांच था। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थे झारखंड में। तो नागवंशी डायनेस्टी, रक्सेल डायनेस्टी, सिंहदेव डायनेस्टी। नागवंशी छोटा नागपुर में, रक्सेल जो पलामू में, और सिंहदेव जो सिंहभूम में थे, ठीक है। उसके बाद जो पलामू में जो रक्षेल्स थे, ठीक है, रक्षेल पलामू ये याद ही रख लेना है। ये क्या बोले ना कि ये लोग स्टार्टिंग में तो राजस्थान के थे, मतलब अगर ये इंडिया का मैप है तो ये राजस्थान के थे, यहाँ से ये बिहार के रोहतासगढ़ में आए, ठीक है, और वहाँ से वो फिर पलामू पहुँचे, ठीक है, ये बोले। और फिर बाद में क्या हुआ कि रक्षेल जो थे पलामू के, वो बाद में चेरो से रिप्लेस कर दिए गए, मतलब चेरो वापस ये रक्षेल के प्लेस में पलामू में आ गया, ठीक है। और लगभग 1000 BC तक सारे ट्राइब सेटल कर जाते हैं झारखंड में, ठीक है, बस चेरो, खरवार और संथाल नहीं करता है, तीन ट्राइब 1000 BC तक।
सेटल नहीं करते हैं झारखंड में, ठीक है। उसके बाद अब बुद्धिज्म और जैनिज्म देखते हैं कि ये बुद्धिज्म और जैनिज्म का क्या हिस्ट्री था झारखंड में। तो जो बुद्धिज्म था वो गुप्ता पीरियड में अपना एपिटोम पे था, मतलब एकदम पीक पे था, ठीक है। ये अशोकन पीरियड में भी, मॉडर्न पीरियड में भी अपना पीक में था, पर गुप्ता पीरियड में भी पीक में था। पर क्या हुआ ना कि जो शशांक था ये बहुत क्रूर राजा था। ये क्या किया, एक तो वो हर्षवर्धन से लड़ाई तो किया ही, साथ में ये जो जितना बुद्धिस्ट चैत्य था उसको तोड़ दिया और वहाँ पे हिंदू टेम्पल बना दिया। जैसे मुसलमान जो सल्तनत था वो आके करते थे यहाँ पे, जो हिंदू हिंदू का टेम्पल को तोड़ करके मुसलमान मॉस्क बना देते थे, ठीक है। पर इन सब के बावजूद क्या होता है कि जो व्रज्यान सेक्ट था बुद्धिज्म का वो सर्वाइव कर लिया, ठीक है। व्रज्यान सेक्ट वो सर्वाइव किया। अब हम लोग देखते हैं कि जैनिज्म का क्या हिस्ट्री था। तो जो 23rd तीर्थंकर थे, जो कि पारसनाथ थे, पार्श्वनाथ, ये अपना सेलिवेशन मतलब मोक्ष या मुक्ति के लिए जो पारसनाथ में जो पहाड़ी है, पारसनाथ, ठीक है, गिरिडीह में जो पहाड़ी है वहाँ पे ये सेलिवेशन के लिए वहाँ तपस्या किए थे, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पीक है, इतना याद रखना है कि हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड वो है पारसनाथ, जो कि गिरिडीह में, इसका जो ऊंचाई है वो 1,365 मीटर है, ठीक है। और बहुत सारा रिमेन जैनिज्म का हम लोग को मिलता है दामोदर और कसाई रिवर के वैली से भी, ठीक है। जो जैनिज्म का हम लोग को वो शेष प्राप्त होता है, मतलब रिमेन्स प्राप्त होता है। मेरा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो प्लीज एक्सक्यूज मी, क्योंकि हमको उतना हिंदी, जो प्योर हिंदी होता है वो हम बोल नहीं पाते। फिर सोर्सेस ऑफ जैनिज्म देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ जैनिज्म क्या है। तो पारसनाथ हिल, ठीक है, यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि जो 23rd तीर्थंकर थे, ठीक है, वो यहाँ पे इनको निर्वाण मिला था, निर्वाण। फिर जो मानभूम, अब छोटा नागपुर है, मानभूम धनबाद को कहते हैं, हर जगह मानभूम मेंशन है पर मानभूम इज इक्वल टू धनबाद। ये भी कल्चरल सेंटर है जैनिज्म का, ठीक है। दामोदर रिवर पे भी एक कुछ इंस्क्रिप्शन मिलता है जैनिज्म से रिलेटेड, और स्टैचू फाउंड किया गया था बेनू सागर में, ठीक है। बेनू सागर कहाँ है, तो सिंगबम में, यहाँ पे भी जो जैनिज्म का स्टैचू था वो पाया गया था, ठीक है। अब हम लोग बुद्धिज्म का सोर्सेस देख लेते हैं। तो बुद्धिज्म के सोर्सेस थे कि जो हजारीबाग में सूरज कुंड है वहाँ से बुद्धा का स्टैचू मिलता है, ठीक है, बुद्धा का स्टैचू मिलता है। उसके बाद जो दियापुर दियापुर दालमी, जो कि धनबाद में है, वहाँ पे बुद्धा का स्मारक मिलता है, ठीक है। और जो ईचागढ़ है सरायकेला खरसावा में, वहाँ पे जो तारा है उसका स्टैचू मिलता है। तारा बुद्धा देवी को उसको मान उनको माना जाता है, बुद्धा देवी तारा को माना जाता है, जो कि ईचागढ़ सरायकेला खरसावा से उनका स्टैचू मिला। ओके, अब ये बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, और जितना ट्राइब्स थे वो हो गए। अब हम लोग किंगडम्स का बात कर लेते हैं कि झारखंड जैसे बताया कि इंडिपेंडेंट था, तो यहाँ पे कौन कौन से किंगडम्स थे। तो जो मुंडा किंगडम था वो स्टैब्लिश किया गया था रीता मुंडा के द्वारा, ठीक है। रीता मुंडा स्टैब्लिश किए थे, ये पहले ट्राइबल लीडर थे मुंडा के, ठीक है। ये स्टैब्लिश किए थे पर ये खुद राजा नहीं बने थे, ये सूतिया पाहन को इलेक्ट कर दिए थे रूलर के तौर पे, ठीक है। और सूतिया पाहन जो जहाँ पे रूल करता था, जैसे ये सूतिया पाहन ये जहाँ रूल कर रहा है, तो ये जो स्टेट है इसको हम लोग सूतिया नाग खंड कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सूतिया नाग खंड कहते हैं। उसके बाद सूतिया पाहन जो था वो अपना जो पूरा स्टेट था उसको 7 पार्ट में डिवाइड करता है, 7 गढ़ में, जो कि लोहागढ़, हजारीबाग, पलेमगढ़, मानगढ़, सिंहगढ़, कसेलगढ़ और सुरमुखगढ़, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं इसका अभी प्रेजेंट में क्या क्या नाम है, लोहरदग्गा है लोहागढ़ का, पलमेरगढ़ का पलामू है, मानगढ़ का मानभूम मतलब धनबाद, सिंहगढ़ का सिंहभूम, ठीक है, और ये सुरमुखगढ़ का सुरगुजा, ठीक है। फिर जो 7 गढ़ था उसको बाद में 21 में डिवाइड कर दिया गया, मतलब 1 से 7 और 7 से 21, ठीक है। इसमें भी नाम था जैसे कि ओमदंदा, दोईसा, खुखरा, सुरगुजा, जसपुर, गैंगपुर, पोरहत, गिरगा, बिरुवा, बोनाई, कोरिया, लचरा, लकरा, ठीक है, बिरना, सोनपुर, बेखादर, बेलसिंह, तामर, लोअरदी, खारसिंह, वदाईपुर, ये भी है, ठीक है, और चंगमंकर, ठीक है। ये सब जो थे वो 21 परगनास थे, किसके, मुंडा डायनेस्टी के, ठीक है। अब इसके बाद नाग डायनेस्टी स्टैब्लिश लगभग 84 AD में ही हो जाता है, जिसे फनी मुकुट राय के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। ये जो कौन कौन सा एरिया में फैला हुआ था, तो रामगढ़, गोला, बरवा, पलानी और तैमर
के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें टोटल 66 परगना था और इन्होंने एक सन टेम्पल भी बिल्ड किया था। ये एक छोटा सा ग्राफ है जिससे आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि क्या हुआ था ना, कि जो नागवंशी थे, ठीक है, नागवंशी थे और यहाँ पे पंचेत था, ठीक है। पंचेत, पंचेत का आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या था पंचेत, पंचेत का जो किंग और क्वीन था उनके बारे में। तो पंचेत के इधर, ठीक है, इस तरफ छोटा नागपुर था, यहाँ नागवंशी और पंचेत, बीच में था क्योंझर, ठीक है, बीच में था क्योंझर। अब नागवंशी को क्योंझर को ऑक्यूपाई करना था, ये क्या किया, ये जा करके इसके साथ, मतलब पंचेत के साथ नागवंशी अपना वो कर लिया, गठबंधन कर लिया कि चलो हम दोनों मिलकर अटैक करते हैं, आप मेरा साथ दीजिएगा, हम इस पर अटैक करके उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, आपको भी कुछ दे देंगे। तो ये जा करके क्विंजर पे अटैक कर लिया, ठीक है, नागवंशी, और क्विंजर हार गया, क्विंजर वॉज डिफीटेड एंड नागवंशी विद द हेल्प ऑफ पंचेत गॉट क्योंझर, ओके। और जो पंचेत था वो ना ईस्ट में लोकेटेड था छोटा नागपुर का। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको याद समझना होगा कि वो पंचेत के साथ किया था और किसको हराया था, बस इतना ही याद करना उसमें। और जो फोर्थ नागवंशी रूलर थे वो थे राजा प्रताप राय, ठीक है, प्रताप राय रूलर थे। ये अपना कैपिटल को चेंज किए हैं सुतियांबे से चूतिया, बहुत सारा कैपिटल इसमें चेंज किया गया, हर बार लगभग 7-8 कैपिटल लगभग इसमें है जो बदलाया गया है। ऐसा क्यों होता था ना, क्योंकि लोग हमेशा डर रहता था कि कोई आके अटैक नहीं कर दे, ये लोग का जोग्राफिकल लोकेशन के कारण ये लोग हमेशा अपना कैपिटल को चेंज करते रहा, ठीक है। और एक क्या बना कि जो राइवलरी था गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट, ठीक है, ये लोग के बीच में जो राइवलरी था, मतलब जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कन्नौज के लिए हो रहा था, ठीक है, जो हम लोग एंशियंट इंडिया में, मतलब मेडाइवल के फर्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं, तो उसका बात है कि उसका जो इम्पैक्ट था वो यहाँ छोटा नागपुर में भी था, क्योंकि पाला का जो रूल हो रहा था वो इधर भी हो रहा था छोटा नागपुर एरिया में। इसके कारण क्या हुआ कि ये लोग ऑफेंसिव पोस्चर अडॉप्ट किए, ठीक है, और ये लोग को डर लगता था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम लोग का एरिया को कैप्चर कर लिया जाए उन पे, ठीक है। तो ये था। फिर एक और राजा थे जिनका नाम था भीमकरण। भीमकरण ये लड़े थे सुरगुजा के रूलर के अगेंस्ट, ठीक है, और फिर ये भी अपना कैपिटल को चेंज कर लिए चूतिया से खुखरा कर लिए, ठीक है। और ये क्यों किए, बिकॉज टू प्रिवेंट द किंगडम फ्रॉम मुस्लिम इन्वेजन, क्योंकि जो मुस्लिम इन्वेजन था जो मेडाइवल इंडिया के टाइम में हो रहा था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, और जो रास्ता था बंगाल से उन लोग का, मतलब कि वो लोग जैसे दिल्ली से बंगाल के तरफ आ रहे थे तो बीच में छोटा नागपुर पड़ रहा था, तो उन लोग को डर था कि वो लोग कहीं हम लोग पे अटैक नहीं करते, तो इस डर से जो भीमकरण था वो अपना कैपिटल को चेंज करते रहा, मतलब चेंज कर दिया था, ठीक है। तो जो पहला कैपिटल था नागवंशी का वो था सुतियांबे, ठीक है, और जो लास्ट कैपिटल था वो था रातुगढ़, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, आपको सीक्वेंस वाइज याद करना है कि पहले सुतियांबे, फिर चूतिया, फिर खुखरा, ठीक है, उसके बाद फिर दोईसा, फिर दोईसा आता है, फिर पालकोट, फिर पालकोट भोरा, फिर रतुगढ़, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है किस किस राजा के टाइम में, जैसे कि सुतियांबे वर्ष था तो फानी मुकुट राय था पहला राजा, फिर जब चूतिया कैपिटल बनाया गया तो प्रताप राय था, जब खुखरा बनाया गया तो भीमकरण था, ठीक है, वैसे ही जब दोईसा बनाया गया तो दुर्जन सिंह था, जब पालकोट बनाया गया तो यदुनाथ शाह था, जब पालकोट बाउरा बनाया गया तो जगन्नाथ सहदेव था, जब रातुगढ़ बनाया गया था तो प्रताप उदयन सहदेव था, ठीक है। तो ये नाग डायनेस्टी के बारे में था। अब हम लोग अगला डायनेस्टी देखते हैं जो कि सिंह डायनेस्टी है। सिंह डायनेस्टी आ करके सिंहभूम में अपना वो किंगडम स्टैब्लिश करता है। इसका दो क्लेम था, मतलब सिंहभूम एरिया के लिए दो क्लेम था, ठीक है, एक क्लेम सिंह डायनेस्टी बोलता था, एक क्लेम ट्राइब बोलता था, ठीक है, हो ट्राइब शायद, ठीक है, ट्राइब बोलता था, हाँ हो, देखिए हो क्या बोलता था ना कि हम लोग यहाँ आए हैं पहले, और जो सिंहबम जो नाम रखा गया वो उनके भगवान सिंह बोंगा के नाम पे रखा गया सिंहबम, ठीक है। और सिंह डायनेस्टी वाला क्या बोलता था कि नहीं, हम लोग सिंहबम में पहले आए हैं, बिफोर अराइवल ऑफ हो, आदिवासी के आने से पहले हम लोग आए हैं, और ये जो नाम है वो लोग हम लोग के नाम पे पड़ा, जो सिंहबम वाला नाम है, ठीक है। तो इस पे दो क्लेम होता है। तो फाउंडर्स जो है केम फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया एंड ऑक्यूपाइड सिंहबम अराउंड 8th century। ये लोग वेस्टर्न इंडिया से आते हैं, और मतलब वेस्टर्न इंडिया मतलब सिंहबम आ रहा है तो राजस्थान से आएगा, क्योंकि सिंह है एक तरह से राजपूत, तो वो लोग वहां से आता है राजस्थान से, और 8th century AD में यहाँ ऑक्यूपाई करता है। इसका दो ब्रांचेस था इसका डायनेस्टी का। पहला ब्रांच जो था काशीनाथ सिंह, ठीक है,
और दूसरा जो ब्रांच था वो द्रप नारायण सिंह, ठीक है, एक था काशीनाथ सिंह, दूसरा था द्रप नारायण सिंह। द्रप नारायण सिंह का क्या हुआ, उसके बाद आता है युधिष्ठिर, जो कि 1262 से 1271 AD तक रूल करता है। उसके बाद आता है काशीराम सिंह, ठीक है, ऐसा ऐसा था। उसके बाद फिर क्या था कि 12th सेंचुरी तक ये जो डायनेस्टी था ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे था, मतलब पीक पे था, इसका जो था एपिटोम पे था सब चीज़ में। फिर हम लोग आगे देखते हैं, अब है रक्सेल डायनेस्टी। ये जो है ये पलामू का है, ठीक है। रक्सेल अपने आप को राजपूत कहलाते थे, इम्पोर्टेंट ट्राइब जो थे, खरवर, खरवर ही मेनली यहाँ पे रूलर थे, ठीक है। यहाँ पे मेन मेन जो ट्राइब थे वो थे खरवर, गोंद, कोरवा, पहाड़िया, ठीक है, जिसमें खरवर मैक्सिमम नंबर पे थे और यही आकर के यहाँ पे रूल किए। रूलर जो थे वो थे प्रताप धवल, ठीक है। बाद में इनको रिप्लेस कर दिया गया था चेरों के द्वारा, ठीक है, चेरों के द्वारा। और जो मान डायनेस्टी था मानभूम, ठीक है, ये एरिया जो ऑक्यूपाई किया था वो था हजारीबाग और मानभूम, मतलब हजारीबाग और धनबाद, ठीक है। जो स्टेट और डायनेस्टी था उसका मेंशन किया गया है स्टोन इंस्क्रिप्शन में, एक पत्थर की इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो कि दूध पानी हजारीबाग से मिला, वहाँ पे इस डायनेस्टी का मेंशन है। फिर रामगढ़ स्टेट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है रामगढ़ स्टेट। ये फाउंड किया गया था बगदेव सिंह के द्वारा, ठीक है, 1368 में। 1368 में यहाँ पे झारखंड में ऐसा हो रहा था, और इंडिया में क्या हो रहा था कि तुगलक डायनेस्टी का रूल था और फिरोज शाह तुगलक राजा बने हुए थे, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा कॉन्टेम्प्रेरी भी समझना पड़ेगा कि अगर झारखंड में ऐसा हो रहा है तो ऑल इंडिया में क्या हो रहा था, ठीक है। ये लोग क्या थे ना कि ये लोग नाग डायनेस्टी के जो कोर्ट था वहाँ पे काम करते थे, पर फिर ना वो लोग वहाँ का सर्विस छोड़ देते हैं। इन दो भाई थे, बगदेव सिंह और उनके भाई सिंहदेव, ठीक है, बगदेव और सिंहदेव, ये लोग फिर करणपुरा आ जाते हैं और वहाँ का लोकल रूलर को हरा देते हैं और फिर अपना एम्पायर वहाँ पे स्टैब्लिश कर लेते हैं। और वहाँ पे वो लगभग अपना कंट्रोल 21 परगना से ज़्यादा परगना पे स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। ये लोग भी बहुत ज़्यादा ही अपना कैपिटल चेंज किए थे, जैसे कि सबसे पहले कैपिटल था शिशिया, ठीक है, और सबसे लास्ट कैपिटल था रामगढ़, ठीक है। शिशिया जो था वो बगदेव सिंह के टाइम में था। फिर आता है उड़दा, फिर आता है बदाम, जो कि ये चेंज किया गया था राजा हेमंत सिंह के द्वारा 1604 1604 से लेकर 1661 1661 तक। फिर रामगढ़ राजा दलेल सिंह 1670। फिर इचक आता है, इचक को कैपिटल बनाया जाता है तेज सिंह के द्वारा 1772 में, 1772 में। पद्मा को कैपिटल बनाया जाता है राजा ब्रह्मदेव के द्वारा, और ये स्टार्टिंग होता है 1880 का उस टाइम, ठीक है। उसके बाद लास्ट में रामगढ़ को कैपिटल बनाया जाता है। रामगढ़ में फिर राजा कौन बनते हैं, तो लास्ट राजा जो थे वो थे जिनका मेंशन किया गया वो है 1937 में, बनते हैं कामाख्या नारायण सिंह, ठीक है। और ये लोग भी अपना कैपिटल को इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि ये लोग अपने आप का को ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली अनसेफ मानते हैं, मतलब असुरक्षित मानते हैं, इसलिए अपने आप का अपना कैपिटल को बार बार चेंज कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चेरो डायनेस्टी जो पलामू में था, जो कि रक्सेल डायनेस्टी को रिप्लेस करके आया, तो इसके फाउंडर है भगवत राय, मेनली हम लोग को इसमें यही याद करना है। फिर आता है ढाल डायनेस्टी, ठीक है, ये सिंहभूम के एरिया में आता है, ठीक है। सिंह डायनेस्टी भी सिंहभूम में था और ढाल डायनेस्टी भी सिंहभूम में था, ठीक है। जो रूलर्स थे वो वॉशरमैन बाय कास्ट थे, जो रूलर्स थे वहाँ के वो धोबी थे, ठीक है। क्या हुआ ना कि किंग ऑफ पंचेत और एक ब्राह्मण गर्ल से वो शादी करते हैं, किंग ऑफ पंचेत, और उनका जो बेटा होता है वही ढालभूम स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट करता है, ठीक है। फिर एक होता है खड़कडीहा स्टेट, खड़कडीहा स्टेट वो 15th सेंचुरी में एस्टेब्लिश किया जाता है हंसराज के द्वारा। ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामगढ़ स्टेट है, रामगढ़ स्टेट के नॉर्थ ईस्ट में उत्तरी पूर्व में ये स्टेट को एस्टेब्लिश किया जाता है। हंसराज डिफीटेड द रूलर ऑफ बंदवत कास्ट, ठीक है। ये जो हंसराज थे, ये हंसराज एक रूलर को डिफीट करते हैं जो कि बंदवत कास्ट का होता है, ठीक है। और अपना जो कंट्रोल है वो 90 किलोमीटर तक का एरिया में हजारीबाग में फैलाते हैं और वहाँ पे रूल करते हैं, ठीक है। फिर आता है ये है पंचेत स्टेट, ये है जो कि मानभूम रीजन, मतलब कि धनबाद रीजन में इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश बाय द किंग एंड द क्वीन ऑफ काशीपुर, ठीक है। ये जो राजा थे और जो रानी थी ये लोग काशीपुर के थे, ये लोग पिलग्रिमेज का मतलब कि ये भक्त बन करके आए थे, ठीक है, ट्रेवल कर रहे थे। फिर क्या होता है कि इनको बेटा होता है जो कि पहले मांझी होता है, ठीक है, फिर वो राजा बनता है परगना 84 का, और फिर बाद में पंचेतगढ़ स्टैब्लिश करता है।
ये जो अपना स्टेट एम्बलम रखता है वो होता है टेल ऑफ कपिला काउ, कपिला गाय का पूंछ। ठीक है, फिर क्या हुआ ना कि दस ऑलमोस्ट ऑल रीजन ऑफ छोटा नागपुर रिमेन इंडिपेंडेंट। इसी से हम लोग देखते हैं कि लगभग सारा डायनेस्टी जो था छोटा नागपुर का वो एंशियंट इन झारखंड के टाइम में इंडिपेंडेंट ही रहा, स्वतंत्र ही रहा। बस कुछ कुछ थे जो अटैक किया गया था, जैसे कि शशांक का और गुप्ता एम्पायर, थोड़ा मौर्य एम्पायर, बस इसी से थोड़ा झारखंड घिरा हुआ रहा, वरना झारखंड हमेशा से इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर ही रहा। ठीक है, अगले डायनेस्टी में हम लोग देखेंगे अबाउट मेडाइवल। ठीक है, मेडाइवल के बारे में देखेंगे। ठीक है, आई विल टेक लेसन ऑन मेडाइवल, और हम कोशिश करेंगे कि हम मैप भी प्रोवाइड करें ताकि आप लोग को लोकेशन अच्छा से याद हो जाए। ठीक है, तो इसका सारा आप PDF अपलोड कर दिया जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जो जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए, और जिन लोगों को इंग्लिश में नहीं मिल रहा है उन तक ये सब पहुँचाइए, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर कोई कोई अगर बता दे ना तो पढ़ने में बहुत इजी हो जाता है, वरना अगर कोई नहीं बता, खुद से पढ़ो तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तब। ठीक है, और ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू।